अभी हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल थ्योरम देखेंगे। द रेशियो ऑफ द इंटरसेक्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ओनली अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। मतलब द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन, इधर थ्री पैरेलल लाइन है, लाइन एल पैरेलल लाइन एम पैरेलल लाइन एन और इसके ट्रांसवर्सल है टी वन और टी टू, ये दोनों ट्रांसवर्सल है। तो क्या करते हो ट्रांसवर्सल रेशियो कैसा, इक्वल टू द रेशियो टू द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय थ्री सम सेम पैरेलल लाइन। ये जो एक ट्रांसवर्सल है और थ्री पैरेलल लाइन को ए बी और सी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और इसके वजह से इसका रेशियो बनता है ए बी अपॉन बी सी। ये रेशियो दूसरी कोई भी ट्रांसवर्सल हो, इस थ्री पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये दूसरी मैंने निकाला है, ये दूसरी टी टू है, ये जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू आर में, तो इसका जो रेशियो बना है ए बी अपॉन बी सी, इसके रेशियो के बराबर इसका भी रेशियो रहेगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। मतलब ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। थ्योरम समझने की बात है, थ्योरम ऐसा है जब थ्री पैरेलल लाइन रहेगा और किसी एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती रहेगी थ्री पैरेलल लाइंस को, तो उसका रेशियो जो बनता है उसके रेशियो के बराबर दूसरी कोई भी ट्रांसवर्सल इस थ्री पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो उसके रेशियो के बराबर पहले वाली का रेशियो रहेगा, या और भी ट्रांसवर्सल रहेगा उसका भी रेशियो इस रेशियो के बराबर ही आएगा। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन को दूसरी कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट कर रही है तो उसका रेशियो भी पहली ट्रांसवर्सल है इंटरसेक्ट कर रही है उसके रेशियो के बराबर रहेगा, ये हमको प्रूव करना है। हमको प्रूव क्या करना है, इधर प्रूव जो करना है लिख लेता हूँ, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ये प्रूव करना है। तो पहला हम लोग ट्रायंगल देखेंगे, ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी में लाइन एल पैरेलल लाइन एम है पहले ही, इसका मतलब ए पी पैरेलल बी डी हो गया। तो इस ट्रायंगल में एक साइड को ये बीच वाली लाइन है वो पैरेलल है और दूसरे दो जो रिमेनिंग साइड्स है उसको बी और डी में अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो बनेगा ए बी अपॉन बी सी, बी पी टी थ्योरम से ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी, ये बी पी टी थ्योरम से बनेगा इस ट्रायंगल में, ये हमको प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए सी पी ये है, अभी दूसरा ट्रायंगल ये वाला,
CPR, इसमें भी लाइन यम पैरेलल लाइन यन है, इसका मतलब DQ पैरेलल CR है। तो ये जो लाइन है एक साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग जो दो साइड से उसको अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका रेशियो आएगा PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, इसका रेशियो आएगा। तो मैं PQ अपॉन QR लिखता हूँ, PQ अपॉन QR इज इक्वल टू PD अपॉन DC। सेकेंड, अभी फर्स्ट में और सेकेंड में हम लोग देखेंगे AB अपॉन BC है, ये AB अपॉन BC है और ये PD अपॉन DC है। दूसरे में PQ अपॉन QR है और PD अपॉन DC है। PD अपॉन DC वही है सेम दोनों के लिए, मतलब लेफ्ट साइड जो AB अपॉन BC है इज इक्वल टू PD अपॉन DC है, इसका भी PQ अपॉन QR है इज इक्वल टू PD अपॉन DC है। तो PD अपॉन DC राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा, मतलब ये 4 है तो समझो ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 है तो ये भी 4 है, तो ये तीनों सेम है, मतलब AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, इस तरह हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। अभी हमको क्या करना है, ये इक्वल ही है सब, खाली इन दोनों को लेने का हमको, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ये प्रूव हो गया, ये थ्री पैरेलल लाइन हमको याद रखना है। कोई भी थ्री पैरेलल लाइन रहेगा उसकी एक कोई ट्रांसवर्सल रहेगी और वो थ्री पैरेलल लाइन को थ्री पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, उसका जो रेशियो बनेगा उसके बराबर अदर कोई ट्रांसवर्सल रहेगी उसका भी रेशियो उसके बराबर रहेगा, ये थ्री पैरेलल लाइन है, थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन।